Hello friends, my name is Abhishek Munara. Welcome to Hash Learning. Now we are going to talk about macroeconomics. As we know, what is macroeconomics? Macro means large. Large means बहुत बड़ा. होता है कि नहीं होता है? आज हमें एक बात पता होता है. मैक्रो वर्ड आया आपका माइक्रोस, ठीक है. आज माइक्रो इकोनॉमिक्स आया आपका माइक्रोस से, मैक्रो आया आपका मैक्रोस से. मैक्रोस का मतलब ही होता है लार्ज. तो जब लार्ज हो रहा है तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉल्ड लार्ज, इट मींस वी आर कवरिंग एंटायर कंट्री. ओके, एंड द प्रॉब्लम इज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. किससे बिलोंग करता है? आपका पूरा कंट्री से बिलोंग करता है, डेफिनेटली करता होगा. पॉवर्टी हम लोग को भी पता क्या होता है, ठीक है. आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड कॉल्ड पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? बाय द वे, सबको पता होता है पॉवर्टी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गरीबी, ठीक है. तो जब गरीबी उसको बोलते हैं तो आदमी गरीब कब होता है? सबसे बड़ा मुद्दा तो वही होता है. आज जब कोई बंदा अपना नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाता तब वो बंदा गरीब हो गया. नॉर्मल से हम लोग एक पुराने जमाने में एक मूवी देखते थे, उसका नाम था रोटी कपड़ा मकान. दैट इज द मेन थिंग. जब रोटी कपड़ा और मकान कोई आदमी को पूरा फुलफिलमेंट नहीं होता तो वो बंदा क्या हो जाता है? गरीब होता है. इसीलिए हम लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? व्हेन कोई भी पर्सन अपना नेसेसरी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता. नेसेसरी, क्लियर? और नेसेसरी मींस व्हाट? रोटी कपड़ा एंड मकान. वो नहीं कर पाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी, क्लियर. और ये गरीब के लिए होता है पॉवर्टी. अमीरों का बात तो अलग चीज हो गया, है कि नहीं है? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन मींस व्हाट? एक लाइन होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखा. रेखा का मतलब क्या हो गया कि उस दायरे में अगर कोई भी आदमी रहता है, उस दायरे में अगर कोई भी आदमी रहता है तो वो क्या होता है? नॉर्मल सा अपने को समझ में आ रहा है कि अगर उससे पार चला गया तो बंदा गरीब नहीं है, उस तक है तो मिडिल में है, और नीचे चला गया तो वो गरीब हो गया. जैसे हम लोग अगर नॉर्मल सा एक बात करें तो ये मेरा एक पॉवर्टी लाइन है, ठीक है. आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मतलब मैं गरीब नहीं हूं, और अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मैं क्या हो गया? गरीब हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज द मेन थिंग. इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या बोला जा रहा है? गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होता है और उसका लाइन क्या होता है. बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया गरीब होने का मेन कारण क्या है, आज के डेट में लोग गरीब क्यों हो रहा है. सबसे बड़ा बात तो यही हो रहा है. आज गरीबी एक लेवल में हम लोग देखते हैं यार वो गरीब है, ये गरीब है, वो गरीब. अरे गरीबी क्यों हो रहा है? What is the reason behind it? That we have to know. क्या कारण है पॉवर्टी का, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरा गरीबी का, पॉपुलेशन. एज वी नो वेरी वेल पॉपुलेशन क्या होता है. आज मेरे घर में अगर कोई भी कमाने वाला है एक जन, ठीक है, और मेरे खाने वाले हैं 10 जन, तो इसका मतलब क्या हो गया? गरीबी तो क्या हो गया, मेरा लेवल पार कर गया कि नहीं कर गया? वही अगर अब 10 जन से 15 जन हो गया, कमाने वाला फिर भी एक जन, तो गरीबी और पार चला गया. इसी के वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा गरीबी और बढ़ता जाएगा. जब तक हम इम्प्लॉयड नहीं होते, बात समझ में आया, हम लोग जब तक इम्प्लॉयड नहीं होते तो आज यही तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे इंडिया की. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पॉवर्टी का मेन कारण क्या हुआ आपका? पॉपुलेशन. ओके, नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिक्लाइन इन ओवरऑल नेशनल इनकम. फर्स्ट पॉइंट व्हाट? पॉपुलेशन. सेकंड, डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट इन नेशनल इनकम. जब लोगों का इनकम ही नहीं जनरेट हो रहा है तो लोग क्या करेगा? अपना नेसेसरी रिक्वायरमेंट कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा. ओके, तो जब वो लोग अपना नेसेसरी रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो लोग क्या होंगे? गरीब होंगे ही होंगे, है कि नहीं है? द फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन, सेकेंड पॉइंट
डिक्लाइन इन द नेशनल इनकम आउटपुट। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आज हमारे इंडिया के अंदर में हमें भी पता है पूरा बात, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा झोलझाल चलता है। एज वी नो, हम लोग को पता ही है पूरा बात कि अभी हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर वापस बने हैं, तो आज उनका बीजेपी चलता है, कहीं पे टीएमसी चलता है, कहीं पे आपका सीपीएम चलता है, कहीं पे आपका कांग्रेस चलता है, सबका अपना अपना एक लेवल होता है। और जब उन लोगों का लेवल होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, तो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। और जब लोगों के ऊपर पड़ता है तो वो लोग क्या हो जाते हैं पता है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इतना गहरा पड़ता है जिसके वजह से वो लोग गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस चीज के ऊपर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट का, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट व्हाट, फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन, सेकंड पॉइंट डिक्लाइन इन द नेशनल इनकम, थर्ड पॉइंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड द फोर्थ पॉइंट व्हाट, एज वी नो थर्ड पॉइंट तक हम लोग ने पूरा का पूरा क्लियर किया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पता है इंडिया को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा गवर्नमेंट। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो हमें एक चीज ध्यान में बहुत जरूरी है रखना, क्या है वो, कि भाई उससे किसकी मदद हो, उन लोगों की मदद हो जिन लोगों के पास काम नहीं है। एज वी नो कि आज महात्मा गांधी ने अपना मनरेगा लगाया था, ठीक है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट। आज वैसे ही अगर मोदी जी हमारा इन सब सिस्टम को अगर आगे फॉरवर्ड करें तो लोगों का क्या होगा, लोगों का नॉर्मल सा क्या होगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट जब अच्छा होगा तो उनके पास अर्निंग होगा, और जब अर्निंग होगा तो भैया वो लोग गरीब नहीं होंगे, क्योंकि दाल रोटी तो सबके पास मिलता ही है, घर सबके पास धीरे धीरे करके बनवा लेते हैं, है कि नहीं है। तो अभी तक हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़ा, नंबर 1 हम लोग ने पढ़ा पॉपुलेशन, सेकेंड हम लोग ने पढ़ा डिक्लाइन इन नेशनल इनकम, थर्ड हम लोग ने पढ़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं आपका लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब क्या हो रहा है अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर। भैया नेचुरल डिजास्टर आप ही लोग अभी जानते होंगे बढ़िया से कि भाई उत्तराखंड में कांड हुआ लोगों के पास, उड़ीसा में कांड हुआ अभी, तो लोगों की पुकार आई, क्यों आई पुकार, क्योंकि देखो जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पर गरीब आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मल पब्लिक आएगी, है कि नहीं है। आज हमें एक बात पता है, बहुत बढ़िया से बात पता है, क्या पता है कि भाई उड़ीसा को लेके अगर हम लोग बात करें या उत्तराखंड को लेके बात करें, और मैं हूँ बंगाल का, कलकत्ता का, तो मैं अगर आपका बात करूँ यहाँ पे गणेश टॉकीज में 31 मार्च 2016 में जब एक कांड हुआ था, ब्रिज गिरा था, तो एट दैट टाइम आई वॉज देयर। तो जब मैं वहां पे था तो जो लोग अमीर आदमी थे वो लोग तो भैया अपना हॉस्पिटलाइज कर दिए, लेकिन गरीबों का क्या हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही हो गया। तो जब उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, ठीक है, तो वो लोग क्या हुआ, मरने के लिए छोड़ दिया गया, है कि नहीं है। जब वो लोग मरने के लिए छोड़ दिया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये डिनोट करता है कि वो लोग गरीब है, ठीक है। अभी हम लोग ने जो वर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा, नेचुरल डिजास्टर, ये सब नेचुरल के वजह से होता है, उसके वजह से गरीबों के ऊपर और इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो लोग और गरीब है तो और गरीब हो जाते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ओके, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में नंबर 1 क्या पढ़े, पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन नेशनल इनकम, थर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फोर्थ लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ नेचुरल डिजास्टर। और अगर हम लोग बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और वही सबसे बड़ा मेन वजूद होता है किसका, पॉवर्टी का। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने पढ़ा पॉवर्टी, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें एक बात समझ में आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास काम अभी तक नहीं है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। ओके,
जब उसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, तो भाई बेरोजगार आदमी कब होता है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा उसका तब होता है जब सामने वाले को कोई काम नहीं मिल रहा है, कि नहीं है? सबसे बड़ा बात यहाँ पे हो रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोग फोकस करते हैं मेनली, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ओके, वॉलेंट्री में क्या होता है कि बंदा काम करने का इच्छुक नहीं है, उसको कम सैलरी मिल रहा, मतलब इच्छुक भी नहीं है और उसको सैलरी भी कम मिल रहा, ठीक है? तो वैसे ही क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज उसने 5 साल मेहनत किया, या एक इंजीनियर, उसने इतना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद अगर उसको 3 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलेगा, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बोलेगा भाई हमको ये जॉब नहीं करना। उसके पास ऑफर भी आ रहा है, समझ में आ रहा मेरा बात, ऑफर भी आ रहा है, ऑफर आने के बाद भी वो सामने वाला काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वॉलेंट्री हो गया, क्लियर? वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, काम है पर काम नहीं करना चाहता, ठीक है? और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, काम करने का इच्छा है लेकिन सामने वाला काम करने का इच्छा है लेकिन सामने वाले को काम नहीं मिल रहा। मेरा बात समझ में आया आपको? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, काम है लेकिन सामने वाला काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसको कम पैसा मिल रहा है, तो वैसे भी वो अनएम्प्लॉयड है। अब क्या हो गया इनवॉलेंट्री में, क्या हो गया, काम करने का इच्छा है लेकिन सामने वाले को कोई भी काम नहीं मिल रहा, इवन 15,000 रुपए का सैलरी भी नहीं मिल रहा उसको, उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज साइक्लिक। आज हमें एक बात पता है बढ़िया से कि आज एक बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, कभी बूम में जाता है, कभी डिप्रेशन होता है, समटाइम्स सिचुएशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हर समय तो आप बूम बूम नहीं करोगे, ठीक है, और हर समय आप डिप्रेशन में भी नहीं रहोगे, आपका सिचुएशन क्या होता है, अप डाउन होते रहता है। आज जैसे हम लोग अपने इंडिया के हैं तो हमें इंडिया के बारे में एक चीज पता है, जैसे हम लोग अपने लाइफ में भी देखे होंगे कि जब GST मोदी जी ने लाया था तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों का बिजनेस बहुत ठप हुआ, तो लोगों ने अपने यहाँ से लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया, मतलब बिजनेसमैन ने अपने यहाँ से लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन लोगों के पास अर्निंग नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा बात ये हो गया, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ उसको हम लोग क्या बोले, साइक्लिक बोले, क्लियर? ये हो गया बात। अब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, चेंज इन द मार्केट कंडीशन। अब मार्केट में कंडीशन आया इस टाइप का जिसके वजह से कोई बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्ट को स्विच कर दिया दूसरे प्रोडक्ट में, तो जिस प्रोडक्ट के लिए एम्प्लॉय रखे हुए थे उनको उस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया था, नए प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था, जिसके वजह से उन लोगों को हटाना पड़ा। तो जब उन लोगों को हटाना पड़ा तो वो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हुए कि नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीजनल, सीजनल का मतलब क्या होता है, सीजन मतलब आप ही लोग जानते हैं सब बढ़िया से, सीजन मीन्स व्हाट, रेनी सीजन आता तो भाई अम्ब्रेला का सीजन है ना, गर्मी आता तो आइसक्रीम का सीजन, ठीक है, पर ट्यूशन लाइन हमेशा एवरी टाइम सीजनल रहता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात ये बोलना चाहते हैं, सीजनल का मतलब क्या हो गया कि अब मेरे को रिक्वायरमेंट अभी प्रोडक्शन का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक अगर हम लोग बात करें तो अभी गर्मी के सीजन में एक मैंगो होता है, मैंगो में क्या होता है, मैंगो से कुछ चीज बनता है उसका नाम है आम पापड़, ठीक है। तो जब आम पापड़ ये सब बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, लोग दूर दूर से आते हैं स्टेट में जा, ठीक है, बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं, वहां पे जाके क्या करते हैं, वो लोग उस चीज का प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट है, गांव वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग आते हैं कितना महीना, 2 महीना 3 महीना, बस 3 महीना काम किए, 3 महीना काम करने के बाद उन लोग का क्या हुआ, बाकी 9 महीने क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड है कि नहीं है, है कि नहीं है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पता, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अगर बारे में अगर हम लोग जाने तो आप लोग ने एक क्या बोलते हैं कोटेशन सुना होगा, हाउस द जॉस है ना, हाउस द जॉस अगर आपने वो चीज सुना है तो उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होता है। मतलब क्या होता है कि जब आपका वहां पे ड्यूटी ओवर हो जाता है तो आपको वापस सामने वाला डेफिनेटली लेगा नहीं, जैसे कोई मिलिट्री ऑफिसर होता है या कोई पुलिस ऑफिसर होता है या कोई सर्वेंट होता है कोई भी कंपनी में, रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर, उनका क्या होता है कि जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है फिर भी वो लोग तो जिंदा है,
जिंदा होने के बाद भी वो लोग कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शनल की वजह से वो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनको काम नहीं मिलने का अभी, क्योंकि उन लोग का रिटायरमेंट ड्यूटी खत्म हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है, उनका जो ड्यूटी पीरियड था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, उसके वजह से अब उनको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट लाइन, ठीक है। उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना, ठीक है, हम लोग ने उसके टाइप्स के बारे में जाना, अब हम लोग जानने वाले हैं आपके कॉजेस के बारे में कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कॉजेस क्या क्या होता है, क्लियर। अब देखो मेरा बात सही से सुनना, सबसे पहला पॉइंट अपने को दिख रहा है डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम। अगर मैं आपको मेरी भाषा में अगर बात बताऊं, ठीक है, मेरी भाषा में अगर आपको मैं प्रॉपर एक बात बताऊं तो आपको एग्जांपल से पूरा ये लाइन समझ में आ जाएगा। क्या होता है, आज जैसे एक राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम है नागौर, ठीक है, वो नागौर बोल के एक जगह है जहां पे अंबुजा सीमेंट ने अपना प्लांट स्टेब्लिश किया। क्यों किया, उसकी वजह से 500 लोगों को जॉब मिला, मेन कारण तो वही था। पर अगर ये अंबुजा सीमेंट किया तो खाली 500 लोगों को जॉब मिला ना, अगर यही चीज अगर सारा कंपनी स्टार्ट कर दे सिर्फ रूरल एरियाज में, तो जब रूरल एरियाज में अगर वो लोग अपना स्टार्टअप कर देगा इन सब चीजों का, तो कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। बात समझ में आया, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगा, और जब लोगों को जॉब मिलेगा तब क्या होगा, कोई भी आदमी गरीब नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या लिखा, डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम। लोग आज के डेट में अपना बेनिफिट देखते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का एक लाइन होता है सोशल वेलफेयर, पर या क्या वो सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा है, यह कर रहा है, पर कितना हद तक, ज्यादा तक तो नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात, और प्राइवेट का मोटो क्या होता है, प्राइवेट का मेन मोटो यही होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है कोई भी कीमत में, जिसके वजह से वो लोग उन्हीं जगह में पैसा लगाते हैं जहां पे उनको रिटर्न मिलता है, क्लियर। ये हो गया अपना बात डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम। मेरे को लगा मैं अभिषेक मुंगड़ा, ठीक है, मैं अब जहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे को रिटर्न नहीं आ रहा, मैं वहां पे पैसा क्यों लगाऊंगा, और जब मैं उस जगह में पैसा नहीं लगाऊं तो वहां पे क्या होगा, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, वो लोग तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड हो गए। ये डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम का बात होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। आज हम लोग को एक बात पता है सही से, क्या कि भाई आज के डेट में दो तरह का इंटेंसिव होता है, एक लेबर इंटेंसिव होता है, एक कैपिटल इंटेंसिव होता है। जितने भी गरीब आदमी लोग होते हैं, आज जैसे अगर हम लोग बोले एक मोटिया आदमी को, हम लोग बोले कि भाई तू कंप्यूटर चला, क्या वो चला पाएगा आज उसका, आज हमारे यहाँ पे अब टोटो आ गया, टोटो का सिस्टम हो गया, तो रिक्शा का सिस्टम खत्म हो गया, आज उन बेचारों लोगों को कमाई नहीं हो रहा है, 20 रुपया हो रहा है कमाई का दिन का, तो उससे तो उनका एक दिन एक टाइम का खाना का भी बात कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो बोलो क्या हो गया, ऐसे ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में आ गया। बात समझ में आया आपको, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल। आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आ गया, क्लियर, और जब एडवांस टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी वर्कर है, पढ़े लिखे वर्कर नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, वो लोग उस फील्ड में जा नहीं पा रहे हैं, और अगर वो लोग उस फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं जिनके वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है, और अगर उनको काम नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है कि नहीं है। तो ये कारण हो गया किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का अपना कारण क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल। जब तक लेबर इंटेंसिव था ना, तो लोग क्या करते थे, हाथ से काम करते थे, मैनुअल। पर जब से अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो बहुत लोगों को इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं रहता है। और हमें भी आज के डेट में ये बात पता है कि आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन अपने बेटे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो एडवांस रहे, मतलब आज के डेट के साथ संग में संग चलते रहे, कॉप अप करके चलते रहे, ठीक है। यही हो गया क्योंकि आज के डेट में हमें पता है टेक्नोलॉजी के मामले में आईटी सेक्टर बहुत डेवलप कर गया। जब वो डेवलप कर गया तो हमें तो उसके साथ में साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और हमको अगर उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग को भैया जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो रहा है पॉवर्टी। गरीबी तो मेन कारण है ना, और गरीबी मेन कारण क्या होता है, आज हमें एक बात पता, गरीबी से पैदा हो, गरीबी कब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी पैदा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है।
और भैया जॉब नहीं है तो हम लोग गरीब है। हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि पॉवर्टी क्या होता है और ये किसकी वजह से बेसिकली पैदा होता है, पॉवर्टी की वजह से। ओके क्लियर। नेक्स्ट होता है डिफेक्टिव, मैंने वर्ड लिखा डिफेक्टिव और ये हो गया डिफेक्टिव सिस्टम। क्या चीज को लेकर डिफेक्टिव सिस्टम, आज जैसे हम लोग आए दिन, जैसे हम लोग तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि आज का जनरेशन मोस्टली सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड रहता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें दिखता है, जब वो सोशल मीडिया में सारी चीजें देखता है तो उनको इन सब बातों के बारे में भी पता होगा कि भाई शेड्यूल कास्ट लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल रहा, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ठीक है, कलेक्टर का जो भी हुआ, तो जितना भी पोस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा पोस्ट किन लोगों को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट लोगों को, ओबीसी लोगों को, भला ही उन्होंने मार्क्स कम लाया। क्लियर। और दूसरा बात क्या होता है कि हम लोग आए दिन ये भी देखते हैं कि कुछ लोग क्या होता है, घूस देके रोबरी दिया, रोबरी देके क्या होता है अपना जॉब को सिक्योर कर लिया। सपोज करो कि मेरा एक कॉलेज है या मेरा कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर में मेरे पास दो सीट है, मेरे को किसी ने 50 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, मेरा मार्क्स बहुत कम था, उसका मार्क्स बहुत कम था, मेरे को 50 लाख रुपया दे दिया तो मैंने उसका सीट रिजर्व कर दिया, पर जो सूटेबल कैंडिडेट था क्या मैंने उसको जॉब दिया, नहीं दिया। उसके वजह से क्या हुआ, वो बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ, या तो वो खुदकुशी करता है, जो हम लोग नॉर्मल सा एक बात देखते हैं कि भैया मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी मेरे को कुछ मुकाम हासिल नहीं हुआ है कि नहीं है, सबसे बड़ा बात तो यही हो रहा है। इसीलिए ये जो डिफेक्टिव सिस्टम है उसके वजह से क्या पैदा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। क्लियर। नाउ हम लोग बात करें पॉपुलेशन, हम ही पता है, ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि भैया जॉब इतना ही है, ठीक है, और जनता इतनी है तो कितने लोगों को जॉब देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, अपना जॉब इतना ही है पर जनता इतनी है तो भैया इतना लोगों को ही हम लोग जॉब दे पाएंगे, बाकी जो बचा है अनएम्प्लॉयड हो गया कि नहीं हो गया। क्यों, आज जैसे बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, सीए हुआ, सीएस हुआ, इंजीनियर्स हुआ, डॉक्टरी हुआ, ठीक है, उन सब एलएलबी हुआ, इन सब चीज़ों में मेनली क्या होता है, फोकस किया जाता है कि भाई रिक्वायरमेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ पे पास करते हैं। और पास करने के बाद भी अगर हमें जॉब नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और ये चीज़ हो रहा है हमारा पॉपुलेशन को लेके, जनता है ज़्यादा और क्या है आपका जॉब है बहुत कम, उसके वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे हमें एक बात पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में, ठीक है, तो जब 1947 में अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद हम लोग ने सबसे पहला जिम्मेवारी क्या चीज़ के ऊपर लिया, सबसे पहला जिम्मेवारी हम लोग ने लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्यों, देखिए सर्विस सेक्टर तो बाद में आया, जिसको लाने वाला था हमारा डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 1994, उन्होंने सर्विस टैक्स लाया, तब जाके सर्विस सेक्टर हमारा ग्रोथ हुआ। पर हम लोग का सबसे पहला फोकस किसके ऊपर था, सबसे पहला हमारा फोकस था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग 1960 तक अल्टीमेटली 60% कमाई जनरेट करते थे इंडिया से, ठीक है, लेकिन आज का डेट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों को चाहिए आज का लाइफ स्टैंडर्ड, बोले यार कौन गमछा लगा के, कौन हल लेके खुदाई करेगा, किसी को करने का मन नहीं है। उसके वजह से क्या हो रहा है एग्जैक्टली पता आपको, उसके वजह से ये हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा इंडस्ट्री डिपेंड है, इंडस्ट्री के ऊपर हमारा सर्विस सेक्टर डिपेंड है, तो तीनों एक दूसरे को लिंक कर रहा है ना, तो जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसके वजह से वहां पे भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, कहां पर, इंडस्ट्री एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, नाउ हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं स्लो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस क्या चीज का, देखिए बाय द वे ये वाला पॉइंट तो जो दिख रहा स्लो प्रोग्रेस वाला, ये तो भाई पुराना बात था, लेकिन अभी थोड़ा हमारा मोदी जी आने के बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे गाड़ी हमारा बहुत ऊपर में जा रहा है, हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से क्या हो रहा, हम लोग सोचते हैं ना 2 करोड़ लोगों को हम लोग ने जॉब दे दिया, क्या जनता रुकने वाली है, जनता नहीं रुकने वाली। आपने 2 करोड़ लोगों को जॉब दिया, जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को जॉब दे दिया, तो अब वापस 10 करोड़ जनता पैदा हो गई, अब उनको कौन देगा जॉब, फिर 2 करोड़ का दिया, फिर जनता पैदा हो गई, तो भैया जनता की वजह से
आज अगर हम लोग देखें तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इट मींस आपका 20% आपने क्या किया अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉय कराया, ठीक है, पर रिमेनिंग 80% क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमारा जो डेवलपमेंट है एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? तो ये कॉजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कॉजेस में ये वाला सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी, ठीक है, डिफेक्टिव सिस्टम, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड स्लो प्रोग्रेस। अभी तक हम लोग ने यही सारा पॉइंट आपको डिस्कस किया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, अपना लास्ट टॉपिक बचा, उसका नाम है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, पूरा इक्वल, किसके किसके बीच में कंपेरिजन हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में। और इनइक्वलिटी मतलब होता है कि यहाँ पे भेदभाव बहुत ज्यादा किया जा रहा है। क्लियर? आज देखो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग जैसे है ना बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं, उनके माध्यम से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या भाई अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। जैसे हम लोग शिवाजी द बॉस टकलू, उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो मूवी देखे होंगे, वहाँ पे हमको चीज़ समझ में आया कि कैसे ब्लैक मनी को बाहर से यहाँ लाया। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रहा है ये ब्लैक मनी के वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आपका क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रहा है कि अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्लियर? इस टॉपिक के मामले में आपको मैं जस्ट एक अपना जो शेयर किया हुआ चीज़ है, जो मैंने फील किया है और जो मैंने देखा है, और मैंने बहुत जन के साथ ये चीज़ शेयर किया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। और मैं भी बहुत लोगों ने ये वाला वीडियो देखा भी होगा, और मैंने सब लोग ने अपने पर्सनल लाइफ में वो वाला चीज़ देखा होगा और हम लोग देखते आ भी रहे हैं। वो ये चीज़ होता है ना, सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे एक सामान खरीदने गए, मेरे को बहुत प्यास लगा, मैं अपना क्या बोलते हैं ना गाड़ी से उतरा, बड़ा वाला BMW गाड़ी से उतरा। ठीक है, गाड़ी से उतरने के बाद मैं क्या हुआ, मेरे को अब प्यास लग रहा, भयंकर प्यास लग रहा, मैं क्या हुआ एक नारियल पानी के पास गया। वो बेचारा गर्मी में बैठा है, ठीक है, गर्मी में बैठा है, वो मेरे को बोला कि नारियल पानी का रेट है आपका 40 रुपीस। तो मैंने बोला 40 रुपीस तो मैं नहीं दूंगा, मैं आपको 30 रुपया में देना तो दे दो। बोले हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं इतना धूप में बैठा हूँ, मेरा कॉस्टिंग है 35 रुपीस। ठीक है, उस गरीब आदमी का कॉस्टिंग है 35 रुपीस, वो बोला कि मैं 40 में आपको दूंगा। ठीक है, वो बोला हमको नहीं लेना, एकदम एटीट्यूड वे में गया। एटीट्यूड वे में जाने के बाद आगे चला गया, वहां पे एक भी बड़ा सा शोरूम था, शोरूम में गया अंदर, अंदर में जाके क्या हुआ कोल्ड ड्रिंक लिया। ठीक है, क्योंकि वहां एसी लगा था ना, रो बेचारा कहाँ बैठा था, धूप में बैठा था, कड़ा धूप में, एसी में गया। एसी में जाने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके आया, उस कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था प्रिंटेड रेट 50 रुपीज, उसने 50 रुपीज दिया और एक तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके आया। क्लियर? कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके आया, क्या उसने उस आदमी ने उसके साथ बार्गेनिंग किया? नहीं किया ना। अमीरों के साथ आप बार्गेनिंग करते नहीं हो, पर गरीबों के साथ हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उनका कॉस्टिंग से भी नीचे वाला चीज हम लोग उससे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता, बात समझ में आया? पर अमीरों के पास बार्गेनिंग पावर हुआ है तब ना वो लोग इतने अमीर बने हैं, पर गरीबों के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता, उसके वजह से वो लोग आज भी गरीब है। और यही मुद्दा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इनइक्वलिटी में, कि अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ पे पॉवर्टी किया, अनएम्प्लॉयमेंट किया, हम लोग ने क्या किया इनइक्वलिटी किया। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ने पूरा चैप्टर एक समअप में पूरा कंप्लीट किया। तो आज का ये वीडियो आप लोग के बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मे बी क्लास 11, 12 एंड बीकॉम 4 सेमेस्टर अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज। ओके, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समअप कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन जानना है, तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप हम लोग को फॉलो कीजिए, हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो मिलता रहे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच विद हैश लर्निंग।